यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके आउटपुट आपके YouTube स्क्रीन पे एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, FLs का यूज़ किया हुआ है। ये प्रोग्राम एक कैंपस में पूछा गया था, एक टेक्निकल राउंड में किसी स्टूडेंट से, कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो ये देखने में ये प्रोग्राम बहुत ही हमको ईजी से लग रहा है कि FLs का यूज़ किया है तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम होगा, तो आउटपुट आप बता सकते हैं। लेकिन जब इस प्रोग्राम को आप ड्राई रन करेंगे तो इसका आउटपुट बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं इस प्रोग्राम को कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा और कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है। हम कंपाइल कराते हैं, कोई एरर नहीं, देन हम इसको रन कराते हैं। इस प्रोग्राम का आउटपुट आप देख सकते हैं, द स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, मतलब इसने क्या किया, एल्स वाले पार्ट को प्रिंट कराया। द स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, देख सकते हैं एल्स वाले पार्ट में हमने इसको लिखा है। तो अब हम देखते हैं कि उसने एल्स वाले पार्ट को क्यों प्रिंट कराया, हमने जबकि इफ़ में कंडीशन तो कुछ दी नहीं थी उसको। तो अब हम समझते हैं इस प्रोग्राम को। हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हमारा हेडर फाइल है। देन वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन है, यहीं से हमारे प्रोग्राम का आउटपुट मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। देन इंट आई, हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई बनाया है। देन कैर ए इक्वल टू, उसमें हमने स्लैश जीरो असाइन करा दिया, नल। तो ये क्या हुआ, ए में असाइन हो गया, मतलब ए एरे हो गया, एरे की इंडेक्सिंग जीरो से होती है, वहाँ पे असाइन हो गया। देन हमने इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ प्रिंट एफ, इफ़ के अंदर हमने प्रिंट एफ करा दिया, प्रिंट एफ परसेंट एस यानी स्ट्रिंग के लिए, देन ए यानी ए में जो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट कर दे। देन अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट करेगा द स्ट्रिंग इज एम्प्टी, एल्स द स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। तो इस प्रोग्राम में आउटपुट हमको क्या मिला था, द स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। तो हम देखते हैं कि ये कैसे आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर टाइप का एरे हमने ए बनाया था वो जीरो, उसके जीरो इंडेक्सिंग पे हमको क्या मिला, स्लैश जीरो, और स्लैश जीरो एक स्ट्रिंग में क्या होता है, नल। तो नल यानी कुछ भी नहीं। तो जब यहाँ पे प्रिंट एफ में आया तो प्रिंट एफ में स्लैश परसेंट एस और ए की वैल्यू भी क्या है, कुछ नहीं, जीरो। तो प्रिंट एफ फंक्शन कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा हमको। तो एफ में क्या कंडीशन, एफ में क्या वैल्यू आ जाएगी, जीरो। तो इफ में वैल्यू क्या हो गई, जीरो, यानी कि फॉल्स। इफ ट्रू और फॉल्स पे काम करता है कि अगर इफ ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये और रॉन्ग हुई तो एल्स पार्ट पे जाएगा। तो यहाँ पे जीरो आ गया। तो इफ में जीरो का मतलब होता है फॉल्स। तो फॉल्स आया तो यानी कि वो इसको प्रिंट नहीं करेगा, सीधे वो एल्स पार्ट पे जाएगा और प्रिंट एफ क्या करा देगा, द स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। तो हमारे प्रोग्राम ने वही प्रिंट कराया था क्योंकि जो यहाँ पे इफ की कंडीशन में प्रिंट एफ कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा तो वहाँ पे वैल्यू उसको मिलेगी जीरो, नल। तो नल यानी फॉल्स, फॉल्स तो वो एल्स पार्ट को प्रिंट करा देगा। तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम होते हैं वो अधिकतर कैंपस में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के और प्रोग्राम्स को रीड करने के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।